क्या हाल है जी हां जी कैसे हो सब लोग जिंदगी के मजे ले रहे हो सीबीएसई ले लिया मजे मस्त मजे लिए वैसे वीडियो डाल दिए मैंने सब उसमें देख लो किसी ने ना देखी हो तो पांच मिनट की वीडियो होगी देख लेना उसमें उसमें सब कुछ है सब सही चल रहा है मुझे एक्चुअली भी टीवी में दिख नहीं रहा है अब दिखना शुरू हुआ चलो जी लाइक और शेयर ठोक दो फिर लाइक और शेयर ठोक दो जल्दी से आवाज ठीक है आवाज में किसी कोई दिक्कत कोई दिक्कत हो बता देना आवाज में जय हिंद जी जय जाएं जय जाएं हाँ बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया ठोक ठोकदेव सबने लाइक और शेयर ठोक सर सबने लाइक और शेयर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एक्चुअली थोड़ा सा रीसेटअप करा था तो हो सकता है कोई दिक्कत आ गई इसलिए मैं पूछ रहा था चलो भाई करें फिर आज का न्यूज पेपर डिस्कस न्यूज पेपर डिस्कस क्वेश्चंस में डाल रहा था और मैं डाल नहीं पाया ज्यादा एक्चुअली तो दो तीन क्वेश्चन कर लो ये शायद पहले भी करा चुका हूं मैं येलो गोल्ड फोर्टी एट गोल्ड फोर्टी एट कौन से मतलब इसमें से कौन सी कमर्शियल वेराइटी क्रॉप है बताओ जी बताओ बेसिकली कौन सा फ्रूट है पूछना चाह रहा है जय जी जय जैन बच्चा स्टेट बोर्ड भी कुछ ऐसा ही सिस्टम फॉलो करेगा स्टेट बोर्ड विल फॉलो लेस सिमिलर सिस्टम यस यस तरबूज का तरबूज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टू हैव ग्रेट वेरियर रीफ ग्रेट वेरियर रीफ अच्छा ही तो करा दे वाला क्वेश्चन ना देखा तुमने कहां पर है द ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर है बताओ 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 कहां पर है ऑस्ट्रेलिया में चाचा चलो जी निडल फ्री वैक्सीन निडल फ्री वैक्सीन कौन सी है हिंट ये है दिस इज ऑल्सो दिस इज ऑल्सो वर्ल्ड फर्स्ट डीएनए बेस्ड कोविड वैक्सीन फटाफट 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 इट इजकोविड डी इट इज कोविड डी ठीक है जी जेट इंजेक्टर मैंने बताया था अपने स्किन के फोर्स के थ्रू हां जी क्वेश्चन आ सकते है बिल्कुल पेपर में फादर स्टैन स्वामी बिल्कुल आ सकता है फादर स्टैन स्वामी रिसेंटली डाइड ही वॉज अ ही वॉज आ तो भाई साहब ही वॉज अ ट्राइबल एक्टिविस्ट आपने भीमा कोरेगांव में सुना होगा पांच बंदों का अरेस्ट करा गया उनमें से एक बंदे ये भी है ट्राइबल एक्टिविस्ट कौन होते हैं जो ट्राइबल्स के लिए लोग लड़ते हैं ट्राइबल कौन होते हैं ट्राइबल होते हैं एसटी कैटेगरी स्केड्यूल ट्राइब कैटेगरी के, के लोग बेसिकली ट्राइबल कौन लोग हैं ट्राइबल वो लोग हैं जो आदिवासी जैसा जीवन फॉरेस्ट लाइफ जैसा जीवन बिताते हैं स्केड्यूल्ड ट्राइब्स आदिवासी ठीक है उन्हीं में से कुछ लोग आज डेवलप हो चुके हैं और अच्छा खासा मेन स्ट्रीम में भी है लेकिन आज भी जो ट्राइबल्स हैं, उनको बहुत ज्यादा इश्यूज फेस हो रहे हैं खासतौर से आप बात करो जैसे आप झारखंड की बात करो या फिर चलो एक्सट्रीम चले जाओ अंडमान निकोबार चले जाओ आपने वो देखा था Uh, क्या नाम है एक उसको मार दिया था क्या बोलते हैं अमेरिकी को बंदा था जो गया था अंडमान आइलैंड था सेंथलीज हाँ सेंथलीज ने मा, uh, उनको मार दिया था तो अगर आप सेंथलीज के बारे में पूछोगे मुझसे तो सेंथलीज की जो खुद की पॉपुलेशन डेढ़ सौ दो के आसपास है और उनके अकॉर्डिंग जो उनका आइलैंड है वही उनका देश है वही उनकी दुनिया है उनके अकॉर्डिंग कोई यूट्यूब एग्जिस्ट नहीं करता कोई मोदी जी एग्जिस्ट नहीं करता कुछ भी नहीं वही बिल्कुल प्रिमेटिव लाइफ जंगलों में हु हा 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 ला 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 भी एग्जिस्ट करती है उनकी ठीक है तो ये सब सिचुएशन है से क्या करे रमन यादव तो शरीर तो हिल चुकी होगी तुम्हारी ट्वेल्थ वाला बच्चा बिल्कुल मर गया भाई मैं तो अब खुद सोच रहा हूं कि क्या क्या बच्चे को बोलू पढ़ने को इतना कुछ है मैं क्या क्या पढ़ने को बोलू ठीक है तो हां जी तो ही वेरी फेमस तो मैं वही कह रहा हूं फादर स्टैंड स्वामी वॉज अ वेरी फेमस ट्राइबल एक्टिविस्ट तो मुझे लगता है पेपर में प्रश्न आ सकता है हाँ जी ये हमने बता दिया वैसे आपको अपनी वीडियो मैंने डाली है एलडब्ल्यू एस पे लर्न विद सुमित वहां पे, पे जाकर देख देख सकते हो ठीक है मोटा मोटा आपको पता ही है कल मैंने एक कल मैं लाइव भी आ गया था CBC वाले बच्चों तरीफ आपकी हिल गई है दो बार आपके बोर्ड्स होंगे वन टू नहीं हुए तो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स के बेसिस पे आपका वो होगा मतलब ओवरऑल मैं इन शॉर्ट कल भी मैंने बताया था आज भी आपको शॉर्ट में बोल रहा हूं मैं बात ये है सीधी सीधी कि पूरे साल अब बोर्ड्स वाले बच्चों को पढ़ना पड़ेगा सीधी सीधी बात ये यस ये वाली पीडीएफ बच्चे आपको मिल जाएगी लर्न विद सुमित टेलीग्राम चैनल पर क्लियर है मामला एनडीए बोर्ड मैनेजमेंट के लिए दीपांशु थोड़ा सा टाइम दे दो बच्चे थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे कि क्या करूं मैं एक तो एक दो चीजें मेरे दिमाग में आई है लेकिन तो फिर भी एक स्ट्रेटेजिक तरीके से चीज़ों को मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ थोड़ा सा टाइम मुझे दे दो हम्म hmm. कोई बात नहीं कोई बात नहीं अरे परेशान मत हो बच्चा बहुत परेशान हो गया क्या क्या सोए ही नहीं क्या रात को इतने परेशान हो गए क्या सोना वोना नसीब नहीं हुआ क्या अरे हो जाएंगी चीजें सोट भाई हो जाएंगी चीजें मैनेज भी हो जाएंगी बिल्कुल परेशान मत रहो यार शांत शांत बच्चे शांत हो जाएंगी चीजें ठीक प्रॉपर गाइड करेंगे आपको कोई तो ऐसी बात नहीं है मैं वो कह रहा हूँ मैं इस दिन रैंडमली कुछ नहीं बोलना चाह रहा इसलिए थोड़ा सा सोचने दो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है प्लीज थोड़ा सा हाँ हाँ पता है बच्चे बोलेंगे नाइन साफ हमारे साथ एन के लिए कब पड़े एंड फलाना ढिमकाना चीजें बहुत सारी हैं आई नो दिस कोई बात नहीं वी विल इट टुगेदर वी विल इट टुगेदर ठीक है जोए बेबी मैं अच्छा हूं जोए बेबी आप कैसे हो कोई नहीं बच्चे शेर से बैच की टाइमिंग बच्चे मेरी सवानों है शांत शांत कर देंगे कर देंगे आगे चलते हैं अभी ठीक है चलो भाई साहब जिसको डिटेल में जानना है किसी को डाउट है समझने में वो मैंने बताया मैंने अभी दस पंद्रह मिनट पहले वीडियो निकाली जाके देख लेना स्टेट बोर्ड्स का अभी मान के चलो सेम होगा जब भी आपके सामने नाम आ जाए गुपकर अलायंस आपके दिमाग में कौन लोग आने चाहिए पेपर में आ सकता है गुप्कर अलायंस बता रहा हूं मैं जल्दी जल्दी जल्दी, जल्दी बताओ फटाफट भड़ बताओ और बिल्कुल ही परेशान ना हो बारहवीं वाला बच्चा बिल्कुल परेशान ना हो मैं आपको बता रहा हूं प्रॉपर तरीके से आपको गाइड करेंगे चीजों को सोचेंगे अच्छे तरीके से एकदम से हेफज वे में कुछ मत करो घबराओ मत ठीक है करेंगे करेंगे चलो भाई साहब हाँ जी कश्मीर आपके बिल्कुल बिल्कुल जो जब अपना हम वैसे ना मैं आपको बताऊं जो जैसे इसमें भी लिखा हुआ है क्लियरली आपको बातचीत चल रही होगी कि जम्मू एंड कश्मीर को दोबारा एक स्टेट का दर्जा देने की बातचीत चल रही है आपको बात पता होगा है ना मतलब जितनी मीटिंग हो रही है मुद्दा तो यही है कि वहां पे इलेक्शन कराए जाए इलेक्शन कराए जाए तो मतलब फिर कुछ ना कुछ सिस्टम करना पड़ेगा तो अब वैसे तो मुझे पर्सनली फील होता है कि स्टेट हुड नहीं देंगे स्टेट हुड देना ही होता तो सारे सिस्टम को हटाते नहीं लेकिन ऐसा बोला मुझे पर्सनली ऐसा लगता है उनका डिवीजन इस तरीके से होगा कि मेजोरिटी में ना आ पाए वो लोग जो डिलिमिटेशन कमीशन का डिवीजन होगा ना वो इस तरीके से करेंगे वो खैर जो भी है लेकिन बीजेपी ने पार्लियामेंट में बोला था कि भाई साहब टेंशन ना लो फुल स्टेट स्टेटवुड लुटाएंगे कुछ अच्छे के लिए हम ये कर रहे हैं लेकिन जब ऐसा हुआ था दैट वॉज फिफ्थ अगस्त दैट वॉज फिफ्थ अगस्त टू उसके बाद इस मूवमेंट के अगेंस्ट वहां की लोकल पार्टीज जैसे पीडीपी ये सब खड़े हो गए थे कि भाई साहब ना ना आप गलत कर रहे हो जो भी जम्मू कश्मीर में करा आपने गलत करा है उन सब ने मिलकर अपने अलायंस बनाए जिनका नाम है गुपकर अलायंस तो पेपर में प्रश्न आ सकता है जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज अगेंस्ट दैट जम्मू एंड कश्मीर वाला मूव खड़ी हुई उस अलायंस को बोलते हैं गुपकर अलायंस उस अलायंस को बोलते हैं गुपकर अलायंस ठीक है बच्चे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं कोई दोराई नहीं कोई परेशानी नहीं आईसीएससी वाला अभी तक मान के चलो बच्चे कि यही फॉलो करेगा ठीक है चलो बेहतरीन हाँ तो अभी ये क्या ये क्यों न्यूज में आया इन्होंने बोला अभी प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई थी जून चौबीस को याद आपको मैंने बताई हुई थी कवर भी करी थी उस मीटिंग को तो गुप्कर अलायंस ने बोला है कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द मीटिंग बिकॉज कोई स्ट्रोंग डिसीजन नहीं लिया गया स्टेट उड पे ठीक है कोई ऐसी बातचीत नहीं करी गई स्टेट उड पे देखो आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में आज के टाइम पे मतलब जब ये बोला गया था जम्मू कश्मीर में जो डिवाइड करा गया कि लद्दाख में तो कुछ नहीं देंगे हम लेजिस्लेचर लेकिन जम्मू कश्मीर में जैसे पुडुचेरी और दिल्ली में है वैसे ही यूटी होने के बावजूद यहाँ पे लेजिस्लेचर दी जाएगी अब यूटी होने के बावजूद लेजिस्लेचर दी जाएगी जैसे मुझे लग रहा है कुछ कुछ सिस्टम ने यहाँ पे दिल्ली वाला फॉलो कर दिया जाएगा डोंट यू थिंक दिल्ली वाला फॉलो कर दिया जाएगा दिल्ली वाला फॉलो करने का मतलब है कि लिमिटेड पावर दिल्ली के सीएम के पास है ना आज हेल्थ एजुकेशन यही सब तो है बहुत लिमिटेड पावर ठीक है और मैक्सिमम पावर किसके पास है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है तो कुछ कुछ वैसा ही सीन शायद कर दिया जाए देखते क्या निकल के आएगा जो भी बहुत जल्दी पुनीत करने वाले शुरू एनडी ड्रॉप करने की जरूरत नहीं बच्चे कुछ निकालेंगे उसमें से ना आप ऐसे एकदम से डिमोटिवेट होकर ड्रॉप ड्रॉप करने की बातें ना करो चलो आगे चलो और इसको कुछ नहीं करना आपको नोट नहीं करना है लेक्चर को सुनना है जो भी नया बच्चा है लेक्चर को सुनना है इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे आ जाएगी क्लास खत्म के दस पंद्रह मिनट बाद वहां से आपको देख लेना है भाई साहब सिंह रावत जी आपको पता होगा ये अब एक्स सीएम ऑफ उत्तराखंड हो गए हैं बहुत ही जल्दी ये सीएम की पोस्ट से हट गए ये सबको पता ही होगा आपको तो एक बार नजर मार लेते मार लेते हैं कि कौन कौन ऐसे बंदे हैं जो एक्चुअली में आ, क्या नाम है किसी और स्टेट के चीफ मिनिस्टर कोई भी जो शॉर्टेस्ट चीफ मिनिस्टर्स रहे हो शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड के चीफ मिनिस्टर रहे हो देखो जी हाँ जी के करुणनाथ के करुणनाथ नहीं ये तो इधर के हैं के करुणनाथ केरला के रहे इकतीस दिन तक भगवत दयाल बारह दिन तक हरियाणा के उत्तर प्रदेश के चंद्र प्रभु गुप्ता अर्जुन सिंह रहे मध्य प्रदेश के एक दिन के लिए <laughs> ओम प्रकाश चौटाला रहे हरियाणा के पांच दिन के लिए बी एस जो आज के टाइम पे भी कर्नाटक के सीएम हैं जो आज के टाइम पे भी कर्नाटक के सीएम है बी एस येद्यूरपा दो दिन के लिए हरीश रावत उत्तराखंड के एक दिन के लिए तीर्थ सिंह रावत उत्तराखंड गई 111 दिन के लिए एक सौ चौदह दिन के लिए ठीक है सबके रीजन्स अलग अलग थे बच्चे सबके रीजन्स अलग अलग थे साहिल सिंह दोस्तों यारों में बात करना शुरू करो अंग्रेजी में बच्चे दोस्त तेरे के साथ बात करना शुरू करो सबके रीजन्स अलग अलग है और मोस्ट कॉमन रीजन क्या लगता है आपको क्या रहा होगा एक कॉमन सा रीजन बताओ मुझे जैसे ये वाला रीजन तो ठीक है आपको पता है कि ये किस क्यों आया मोस्ट कॉमन रीजन क्या लगता है आपको इनमें इन सब लोगों में ठीक है प्रणव पांडे अच्छा ही आप लोगों के लिए तो बच्चे क्लास की टाइमिंग सुबह आठ से नौ चलती है ये क्लास ना बिकॉज़ नौ पंद्रह पे अपनी प्लस की क्लास होती है तो इसलिए आठ से नो चलती है कुछ भी बोलोगे क्या करप्शन वरप्शन कुछ भी कॉन्फिडेंस मोशन सही है लेकिन एक्चुअली कॉन्फिडेंस मोशन नहीं 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 कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है बताता हूँ वेरी गुड गठबंधन की सरकार बहुत बढ़िया बहुमत बहुत 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 से सही दिमाग लगाया देखो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आप समझ नहीं रहे सरकार चलती है उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है उसके लिए होता है नो no मोशन लेकिन ये सरकार एक्चुअली में सही पूछो तो ढंग से बनी ही नहीं है भाई मान लो हरियाणा में आई नब्बे सीट्स ना हरियाणा में टोटल नब्बे सीट्स मान लो बीजेपी की आई चालीस कांग्रेस की आई ये थी बीजेपी कांग्रेस की आई बीस चालीस बीस साठ हो गया एलजेपी पार्टी उनकी आई दस ये अदर्स हैं इनकी आई जितनी भी आई चालीस बीस साठ सत्तर बीस बनेगा बीस तो क्या बीजेपी बहुमत में है कि वो अपनी सरकार बना सके क्या है बीजेपी इतनी बहुमत में जल्दी बताओ जल्दी 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 है नहीं है लेकिन ये सारे मिलके एक हो जाएं ये सारे मिलके एक हो जाएं और बोलेंगे हम हम मिलके अपनी सरकार बनाएंगे लेकिन गवर्नर सबसे पहला मौका सरकार बनाने को किसको देगा बच्चे मेरे टेलीग्राम चैनल लर्न विद सुमित मिलेगी पीडीएफ मौका देगा बीजेपी को लेकिन बीजेपी अपनी मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाएगी बीजेपी को मौका क्यों देगा अभी को? सबसे ज्यादा सीट्स है उसकी सबसे ज्यादा सीट्स है तो इसलिए पहला मौका मिलेगा बीजेपी को लेकिन बीजेपी नहीं बना पाई जब पहला मौका बीजेपी को मिलेगा बीजेपी का बंदा चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया जाएगा और बोलेगा अब अपनी मेजोरिटी प्रूव करो अगर उसने प्रूव कर दी कुछ टाइम दिया जाएगा तो तो ठीक है उसको सपोर्ट मिल गया किसी का तो ठीक है वरना ये चीफ मिनिस्टर हट जाएगा फिर ये लोग इनको मौका दिया जाएगा और ये दोबारा फिर अपना चीफ मिनिस्टर चुनेंगे तो जब भी इसको बोलते हैं हंग असेंबली बच्चे हंग असेंबली लटकी हुई असेंबली ंग असेंबली जब किसी पोलिटिकल पार्टी को क्लियर मेजोरिटी ना आए देन इट इज नोन एज हंग असेंबली मतलब नॉट एक्जेक्टली तब जब कोई सरकार ढंग से ना बन पा रही हो देन इट इज नोन एज हंग असेंबली क्लियर है बात मेरी आपको इसमें कोई दिक्कत हो परेशानी है यस हां महाराष्ट्र भी ऐसा ही हुआ यस महाराष्ट्र भी ऐसा ही हुआ बिल्कुल सही अभिषेक चौधरी लिख दो लर्न, लर्न विद सुमित पंद्रह सोलह हजार सब्सक्राइबर है वाला चैनल कर लो सब्सक्राइब कल मैंने बताया था तालिबान ने तशरीफ फैलाई थी कल मैंने बताई थी बात ये तो भाई साहब सोल्जर्स स्टिक नहीं पाए इनके सामने दे फ्लीट टू दे फ्लीट टू ताजिकिस्तान नहीं पाए सामने उनके ठीक है भाग गए और ताजिकिस्तान में उनको जाना पड़ा सिचुएशन ऐसी हो गई वेरी सुन ठीक है सर्विसेज श्रिंक मोस्ट सिंस जुलाई भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन सा सेक्टर करता है तीन तीन सेक्टर होते हैं अगर आपने कभी पहले पढ़ा हो तो प्राइमरी जिसने मुझसे इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी उसने तो वो तो कर ही देगा प्राइमरी सेकेंडरी और टर्डरी प्राइमरी में कौन से सेक्टर प्राइमरी में कौन से सेक्टर वो सेक्टर जिसमें रॉ मटेरियल सीधा नेचुरल रिसोर्सेज से यूज होता हो डायरेक्ट जैसे खेती जैसे माइनिंग जैसे फिशिंग समझ में आई बात क्या बात समझ में आई दैट इज प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर जो इसमें वैल्यू एड करे खेती में आपने आलू बनाया आलू से चिप्स बना दिया फैक्ट्री में सेकेंडरी खेती में आपने कॉटन उगाया कॉटन से शर्ट बना दी सेकेंडरी तो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रीज है जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रीज है वो सब आते सेकेंडरी में अलावा जो भी बच गया वो आता है टर्सरी में मैं पढ़ा रहा हूं सर्विसेज है टर्शरी हॉस्पिटलिटी सर्विसेज है हॉस्पिटल सर्विसेज है सब कुछ सर्विसेज है जो आप सोचोगे दूर दूर तक सब कुछ सर्विसेज है तो भाई साहब टर्शरी सेक्टर भारत की जीडीपी में अप्रोक्सीमेटली 55 परसेंट वैसे 54 से 55 परसेंट के आसपास कंट्रीब्यूट करता है भारत के जीडीपी में समझे मेरी बात और सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट किस फील्ड में है सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट है प्राइमरी सेक्टर में लगभग अपने देश की पॉपुलेशन का 50 टू 55 परसेंट इन्वॉल्व है प्राइमरी सेक्टर में और सर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है 16 से 17 परसेंट बस यानी कि 50 प्रतिशत जनता हमारे देश की मिलकर सिर्फ जीडीपी में 16 परसेंट कर रही है और यहाँ पे टर्सरी सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं लगभग सत्ताईस परसेंट यहाँ पे सत्ताईस परसेंट लोग मिलके जीडीपी में फिफ्टी फाइव परसेंट इंक्लूड कर रहे हैं ये मेजर डिफरेंस है मैन्युफैक्चरिंग में सेकेंडरी में लगभग बराबर शायद दोनों परम मिश्रा अभी ये स्कीम निकाली है बच्चे दो हजार वाले की जो अभी ट्वेल्थ में गए हैं बच्चे उनके लिए अगली बार क्या होगा वो अगली बार पता लगेगा अभी अगली बार कोई जिक्र नहीं है बच्चे समझ में आ गया मामला दिस इज द इशू बच्चे तभी अभी आर्टिकल क्या था आर्टिकल था बच्चे की सर्विसेज सेक्टर सबसे ज्यादा हिट करा है बिकॉज आपको पता है फैक्ट्रीज खोल दी गई थी फैक्ट्रीज चलती रही थी कम कैपेसिटी पे लेकिन फैक्ट्रीज चलती रही थी प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन लेकिन जो तो सर्विसेज नहीं खोली गई वो क्या थे आपके जितनी भी मॉल्स थे दुकानें थी सलों थे कुछ नहीं खोला गया कुछ नहीं खोला गया अश्मित सिंह वो अपने आप को टेररिस्ट नहीं बोलते इनफैक्ट हम भी क्लियरली उनको नहीं बोल सकते वैसा बता रहा हूं मैं भाई साहब फोर्टी फाइव परसेंट एरिया पे वो रूल करते हैं क्या लगा रहे उनको तुम तालिबान इसको हाँ ठीक है बहुत सपोर्ट है लोगों का उनको भारत अच्छा भारत में चाय बहुत ज्यादा इंपोर्ट हो रही है जिसको लेकर लोग परेशान बिकॉज भारत की चाय का क्या होगा आपको पता है भारत में चाय कौन से स्टेट में उगाई जाती है ज्यादा यस विक्की कुमार डेली क्लासेस होती है बताओ बाबू भैया सबसे ज्यादा चाय उगाई जाती है असम में लगभग 53 परसेंट ऑफ टोटल प्रोडक्शन भारत की चाय का असम करता है उसके बाद आते हैं वेस्टर्न घाट्स में वेस्टर्न घाट्स में केरला एंड कर्नाटका यहां पे चाय उगती है ठीक है यस yes, क्लियर हो गया मामला बहुत बढ़िया अब अगर बाहर से चाय अच्छा इंडिया पता है वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ चाय है एंड लेकिन मजे की बात पता क्या है मजे की बात यह है कि लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ चाय भी हम ही है मतलब हम उगाते हैं और हम पी जाते हैं हम उगाते हैं और हम पी जाते हैं बात ही है सीधी सीधी उगाया और पी गए ठीक है <laughs> अच्छा एक साथ साथ एक और बता दो कॉफी कहाँ उगती है कॉफी कॉफी भारत में कॉफी कहाँ उगती है कॉफी आसाम में उगती है क्या क्या कॉफी आसाम में उगती है नहीं बच्चे नहीं उगती है वो उगती है वेस्टर्न घाट्स में वो उगती है मेरी जान वेस्टर्न घाट्स में बच्चा बड़ा परेशान है फोन मोन कर रहे हैं बच्चे लोग सीबीएसई वाले बच्चे साहब मैं बता दूंगा स्कीम थोड़ा सा सोच के कि क्या करा जाएगा इंडिया पुलिस बोर्ड में अब शांत हो जाओ थोड़ा सा यस yes. हाँ कर्नाटका में सबसे ज्यादा उगती है क्या देखने ये फोन उठाया था भाई बुलवा दिया चलो जी सेक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नाम सुना आपने जी सेक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मैं ये इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा जो मेरा आ, स्टूडेंट है जो मेरा स्टूडेंट है बच्चे इकोनॉमिक्स का जिसने मुझसे इकोनॉमिक्स पढ़ी है वो अपने आप समझ जाएगा मैंने क्या बताया था जब महंगी महंगाई बढ़ जाए तो सरकार क्या कर मतलब आर क्या करेगी जब महंगाई बढ़ जाएगी तो आर क्या करेगी बच्चे आर मार्केट से पैसा कम करेगी हाए ना बोलो जल्दी से हाई ना बोलो तो मार्केट से पैसा कम करने के लिए वो चाहेगी जितना ही मार्केट में पैसा है वो अपने पास ले ले वो बोलो चाहेगी ऐसा वो उसके लिए एक तरीका है जी सेक नहीं हुआ है मैंने ग्रुप पे भी डाल दी है पने जो वीडियो बनाई ना मैंने ग्रुप पे भी डाल दिया बंदा मुझे बड़ा पसंद है आपको कैसा लग रहा है कल ही मैंने बात बताई थी इसकी रोज रोज न्यूज में आ रही चीजें ये मुझे नेक्स्ट लीडर लग रहा है अपने देश का क्या कहते हो आप लोग पढ़ो एक बार इसने क्या लिखा हुआ पढ़ो क्या लि... क्या लिखा हुआ एक बार जाओ देखो क्या मानते इस बात को क्या मानते इस बात को देखो आप बच्चे वो जब भी सीएम हटे ना वो वो इसलिए हटे हैं कि गवर्नर ने ना जानबूचे को उल्टी सीधी हरकतें कर दी आपको पता है ये गवर्नर की पूरी की पूरी वो होती है आ, क्या बोलते हैं उसको डिस्क्रिशन होती है गवर्नर की पूरी कि भाई साहब डिस्क्रिप्शन क्या है गवर्नर की कि वो जिसको चाहे उसको बुला सकता है इनवाइट कर सकता है सरकार बनाने के लिए जब कोई भी पार्टी क्लियर मेजोरिटी ना हो अब जैसे कोई दो पॉलिटिकल पार्टी थी जिन्होंने मिलकर लड़ा था कोई इलेक्शन देखो मैं सपोज कर रहा हूँ सपोज कर रहा हूं एक तरफ थी बीजेपी एक तरफ ने कांग्रेस और आपने पहले ही अलायंस कर रखी थी कि हम दोनों मिलकर लड़ेंगे बीजेपी की सीट साइज चालीस नब्बे में से इनके आए तीस इनके आए बीस तो जब इन्होंने क्लियर कर रखा है मामला कि हम साथ में ही लड़ेंगे इन्होंने जब क्लियर कर रखा है मामला कि हम साथ में लड़ेंगे तो गवर्नर को इन्हीं को बुलाना चाहिए लेकिन गवर्नर बिकॉज गवर्नर प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट होता है सरकार में अभी सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट है तो बहुत बार गवर्नर इसको पहले बुला लेता है तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट भाग जाते हैं तब वो एक, एक दिन में हटे हैं सीन। समझ रहे हो अरे शिवम कुमार ले ली जाएगी बच्चे शांति शांति आई होप इट इज क्लियर नाउ आई होप इट इज क्लियर नाउ हाँ जी ये बंदा बड़ा सही लग रहा है मुझे ये पॉपुलेशन कंट्रोल पे कुछ कुछ बोला इसने अब इसने बोला है भाई साहब शूट द जो भी बंदा भागना चाहे उसको वहीं पे वहीं पे गोली चला दो उस पर इस चीज से कितनी लोग बचते हैं इसी वजह से हमारी पुलिस आज कमजोर भी रहती है पता है ना आपको पता है ना आपको यस बेहतरीन एमएलएस को सस्पेंड करना किसके हाथ में होता है ये मैं इस आर्टिकल आप से आपको पूछ आपसे पूछना चाह रहा हूं और कुछ नहीं एमएलए को सस्पेंड करना किसके हाथ में होता है ये मुझे बता दो फटाफट कौन कर सकता है एमएलए को सस्पेंड किसके हाथ में वो अथॉरिटी है हिंट जैसे जैसे उधर होता है अपना स्टेट में अपना पार्लियामेंट में होता है वेरी गुड स्पीकर चेयरमैन ऑफ द हाउस नहीं गवर्नर नहीं गलत जो स्पीकर होगा जो असेंबली का स्पीकर होगा बच्चे उसके हाथ में होती है यस जब पार्लियामेंट में होती है वो लोकसभा के हाथ में होती है जो पार्लियामेंट में होती है वो लोकसभा के हाथ में होती है ठीक है बेहतरीन कोई कुछ भी बोलता कोई कह रहा है आईपीएस ऑफिसर वाह तो भाई साहब महाराष्ट्र असेंबली में रिसेंटली जो अब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर रहे थे बारह बीजेपी के एमएलए उनको हटा दिया सस्पेंड कर दिया कौन हटाएगा मैंने बता दिया अच्छा ई का हो गया रे प्रणब मुखर्जी के बेटे ने ज्वाइन कर लिया किसको दीदी दे प्रणब मुखर्जी वेरी फेमस कांग्रेस अपने प्रेसिडेंट भी रहे पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे जबरदस्त उनके बेटा ज्वाइन की तृणमूल कांग्रेस दीदी और दीदी को कर लिया खाला हो गए मस्त है दीदी <laughs> कुछ भी करवा लेती है <laughs> <नहीं>। <laughs> चलो भाई साहब कोई बात नहीं पॉलिटिक्स तो समझना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है हम तो आम आदमी हूं अपने कहा पॉलिटिक्स समझ में आएगी बच्चे फेम स्कीम, बच्चे। फेम स्कीम स्कीम को वेरी बच्चे एक्सटेंड दो हजार 2024 तक पहले ये जो स्कीम थी बच्चे इधर पता नहीं क्यों नहीं आ रहा उधर ही आ रहा है ये पहले जो स्कीम थी मेरी जान ये ये स्कीम पहले थी 2022 तक और इसका क्या काम था फेम स्कीम का काम क्या था इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल्स पहले फेम का नाम सुन लो फास्ट फुल फॉर्म सुन लो फास्टर अडोप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया फास्टर ओहो क्या कर दिया मैंने फास्टर अडोप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिस इज फेम इसका फेज टू दो साल से बढ़ा दिया गया पहले तीन साल के लिए बनाया गया था फेम अब दो साल और बढ़ा दिया गया क्या काम है इस स्कीम का बच्चे क्या करना है इसको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना है काय प्रमोट करना है ये इसकी फुल फॉर्म बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है भाई आपने देखा होगा अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट भी अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हो तो आपको कुछ स्पेशल इंसेंटिव दिया जाता है बोलो बोलो मोहित पटेल विल डू विल डू विल डू, डू। हां जी समझ रहे मामले को लेकिन इसने अच्छा सा काम किया नहीं है कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल बिक नहीं रहे हैं लोग जागरूक नहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेने के लिए तो इसमें गलती स्कीम की है जो पैसा स्कीम के लिए अलॉट हुआ था वो इस, वो पैसा इसमें यूज करा ही नहीं गया है इसलिए सारा मामला चल रहा है और फेम स्कीम न्यूज में है और फेम स्कीम न्यूज में है चलो जी वो जितने भी स्टेट गवर्नमेंट दे रही है ना अच्छे अच्छे ऑफर डेढ़ लाख की सब्सिडी ये वो खिलाड़ डिमकाना वो सब फेम स्कीम के अंडर ही दे रही है ठीक है इन का जब भी नाम सुनो आपके दिमाग में दो नाम आने चाहिए इन नाम आते आते ही। एक आना चाहिए नासा एक आना चाहिए मार्स तो भाई साहब ये हेलीकॉप्टर है नासा का जो मार्स पे हर अलग 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 स्टडीज कंडक्ट कर रहा है बस इतना ही बहुत है बाकी तो चलता रहे कुछ ना कुछ तो आई मद्रास ने लॉन्च करा सेंटर फॉर रिसर्च ऑन स्टार्टअप एंड रिस्क फाइनेंसिस फाइनेंसिंग सेंटर फॉर स्टार्ट जिसको क्रेस्ट भी बोला जा रहा है बच्चे जिसको क्रेस्ट भी बोला जा रहा है सेंटर फॉर रिसर्च एंड स्टार्टअप एंड रिस्क रिस्क फाइनेंसिस नाम से समझ में आ रहा है किस टाइप काम काम रहेगा ये लीडरशिप प्रोवाइड करेगा मतलब एक्चुअली मतलब अकेडमिक भी लीडरशिप प्रोवाइड करेगा इनोवेटिव एंटरप्रिनरशिप में ठीक है जी क्लियर होगी बात ये यस बाकी डिटेल तो कितनी भी करते रहो बट एक्षु, बट एक्चुअली बात यही है कि इसका काम वही है ठीक है उतना ही आपके पॉइंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट है करते कितना भी रहो इसमें एजुकेशन मिनिस्टर्स की मीटिंग अरे हमारे भी चाचा कहीं दिखेंगे नहीं दिखेंगे तो तो दिख नहीं रहे हमारे चाचा जी दिखने तो चाहिए अच्छा है है। हाँ जी ट्वेंटी एज की एजुकेशन मिनिस्टरी मिनिस्टर की मीटिंग पहले बात तो इस बार की जो मीटिंग है ना सब उसको ध्यान में रखो हु इज़ द होस्ट ठीक है इटली इज होस्ट दुट जी ट्वेंटी वर्ल्ड की टॉप ट्वेंटी इकोनॉमिक को लेके देखो आपको सारे लोग क्या शक्ल से पढ़े लिखे लग रहे हैं वैसे ही बस शक्ल से लग रहे हैं आपको हाँ ना बोलो 50 सब्सक्राइबर बचे बच्चे हाँ जी हाँ जी तो जब भी आ जाए इटली क्वेश्चन आ जाए पेपर में जी ट्वेंटी एजुकेशन मिनिस्टर मीटिंग का हुई थी इटली अभी इससे जो अगली मीटिंग है वो भी बता देता हूं मैं वो भी वो भी इटली में हुई थी चलो जी ट्वेंटी कंट्रीज के नाम आपको करके आना है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग जी की ये भी कहां पर हुई बच्चे ये भी हुई इटली में ट्वेंटी की सारी की सारी मीटिंग जो है वो भाई साहब इस बार इटली ने होस्ट करी है अलग अलग टाइप की मीटिंग हुई अलग अलग मीटिंग में अलग अलग बातें करी गए ठीक है इसके अलावा इसमें बहुत ज्यादा चीजें याद नहीं रखनी कुछ इंपॉर्टेंट आएगा तो वैसे बता दू ठीक है तो इंडिया को छोड़ के बाकी सब तो लग रहे थे इंडिया को छोड़ के बाकी के चाचा तो लग रहे थे ना तो ये कहना चाह रहा हूं चलो किसी को दुख कोई परेशानी तो बता दो करंट अफेयर कंटेंट यहां पे खत्म होता है करंट अफेयर कंटेंट यहाँ पे खत्म होता है रोज सुबह आठ बजे मिलते हैं बैचेस का बता देता हूँ किसी और कोई दुख कोई परेशानी हो तो बताओ चाहे तो किसी के जीवन में कुछ चल रहा है ऐसा जिससे उसकी तशरीफ ही रखी हो आई विल हेल्प यू आउट बच्चे आई विल हेल्प यू आउट हाँ जी टाइम मैनेजमेंट करंट अफेयर के मार्क्स बच्चे कम से कम आठ नौ क्वेश्चन मान लो पॉलिटी स्टार्ट जल्दी करेंगे सीबीएससी यूपीएससी दोनों ने जीवन नरक बना दिया अच्छा करंट अफेयर्स कितने मार्क्स के होंगे बता दिया मैंने अन अकेडमी पे मिलते हैं सवा नौ इकोनॉमिक्स का टेस्ट भी रख लेंगे जल्दी पॉलिटी पढ़ ली समझ नहीं रहा गया पेपर कब है बताया तो चौदह नंबर पेपर है बच्चे तो लर्न विद विथ पे रेगुलर क्लासेस का वादा पचास के पे करेंगे मैथ्स की भी क्लासेस और अपनी भी क्लासेस बारहवीं क्लास वाले बच्चों की तशरीफ हिल गई है बारहवीं क्लास की स्ट्रेटेजी बताता हूं मैं बच्चे में सोच मैं मतलब समझ नहीं पा रहा हूं सच में कि कितना आपको बोलूं जीएस पढ़ने के लिए और इनफैक्ट इनफैक्ट सच पूछो तो एनडीए पे फोकस करने के लिए यूट्यूब पे क्लासेस ले लेंगे बच्चे बताता रहा हूं मैं थोड़ा सा शादी के उसमें बिजी हूं वेन्यूज वेन्यूज बुक करने में एक रेगुलरिटी है, बिकॉज वो तो शाम वाला टाइम होता है ना वो निकल ही जाता है किसी ना किसी तरह से तो मैं सोच रहा हूँ हमें जान के शुरू नहीं कर रहा कि शुरू करके फिर बीच में ना रोका जाए चलता रहे चीजें सिद्धांत शर्मा टेलीग्राम पे क्लासेस के टॉपिक आज की क्लास का टॉपिक ज्योग्राफी में अर्थ एंड सिस्टम को आगे बढ़ाना है बच्चे ज्योग्राफी सवान बजे वाली क्लास है पॉलिटी करेंगे तेईस जून से बच्चे ट्वेंटी थर्ड जून से पॉलिटिक करेंगे हम और बताओ करंट अफेयर की मैराथन कर लेंगे इस महीने में एक दो करेंगे अभी कर लेंगे कमिंग वीक वीक में कर लेंगे टेंशन मत लो बिल्कुल कोर्स तब भी स्टार्ट कर रहा है जल्दी नहीं ऋषि ऋषि नहीं बच्चे फिर तो ऐसे तो करता रहेगा हमेशा नहीं हिस्ट्री की क्लासेस लेते हैं बच्चे टेंशन मत लो करेंगे ये भी बहुत ही जल्दी करने वाले हैं नहीं नोट्स नहीं बनाने बच्चे करंट अफेयर में ना नोट्स नहीं बनाने आपको बिल्कुल भी कोई सीन नहीं है नोट्स बनाने का ना हाँ जी और कुछ और कुछ हाँ बच्चे कंचन विष्णु यस कर लो बिल्कुल कर लो घर वाले कह रहे हैं जेई पे फोकस करो आप करना चाहते हो एनडीए बच्चे घर वालों को समझाओ ऐसे तो परेशान हो जाओगे फायदा कुछ होगा नहीं बस रीड बढ़ना यस अभिषेक चौधरी सर की शादी नवंबर में बच्चे करन कदम नवंबर में बच्चे अभी नहीं है नवंबर में है लेकिन उसकी तैयारी तो अभी करी जा रही है ना तो इसलिए रेगुलरिटी मेंटेन नहीं हो पा रही है अन अकेडमी क्लासेस लेना मजबूरी हो जाती है वहाँ भी क्लासेस काफ़ी रिस्कड्यूल होती है मेरी वैसे ना ना अनकेडमी पे भी अब मैं तभी शुरू करूंगा जब मैं रेगुलर कर पाऊंगा तो इससे थोड़ा सा एक दो दिन और ले रहा हूँ प्लस टू वालों की बहुत बुरी हालत होगी हाँ जी यूट्यूब पे क्लासेस कंटिन्यू होंगी जो चल रही है वो खत्म नहीं करेंगे उसको चलो अकेडमी के बारे में तो बता दू कम से कम जो अपना परम धर्म है वो तो पूरा कर दे परम धर्म तो पूरा करेंगे ना भाई नए नए कोर्सेज आ रहे हैं अकेडमी पे जाओ जाके ज्वाइन कर लो बता रहा हूँ मैं नए नए कोर्सेज आ रहे हैं पंद्रह तारीख से प्राइजेस बढ़ जाएंगे वापस से ये देख लो नए नए कोर्सेज आ रहे हैं ऑपरेशन आ गया शेरश आ गए और मेरी फोटो ना आपको हर उसमें दिख जाएगी एक्चुअली ना मुझे खुद नहीं पता होता लेकिन मैं हर में पढ़ा ही रहा होता हूँ ठीक है इसमें भी देख लो उसमें भी देख लो ठीक है इसमें भी देख लो इसमें भी देख लो उसमें भी देख लो इसमें भी देख लो इसमें भी देख लो इसमें भी देख लो तो भाई चलता रहता है आप कर लो मैं बता दूंगा कौन से बैच से क्या क्या चीजें करनी है वो कर लेना ठीक है करंट अफेयर बच्चे ऐसे याद हो जाएगा टेंशन मतलब आप कोई भी सब्सक्रिप्शन आपको लेना हो शेरस सा बैच लो ऑपरेशन एनडीए लो जो भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो कुछ नहीं करना क्लिक हेयर यूज माय रेफरल कोड एल डब्ल्यू एस टेन एंड यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ टेन परसेंट तो जो भी लेना हो फिलहाल इनपे कुछ ऑफर भी चल रहे हैं मैं आपको बता दूं फिलहाल कुछ ऑफर भी चल रहे हैं इस पे देख लो ये नए नए ऑफर चल रहे हैं बारह महीने का लेते हो तो दो महीने एक्सटेंशन मिलेगा चौबीस का लेते हो तो चार महीने एक्सटेंशन मिलेगा जुलाई जुलाई में ऑफर है किसी को लेना हो तो ये ठीक है जी जो भी लो उससे फर्क नहीं पड़ रहा है यूज कोड एल डब्ल्यू एस टेन ठीक है जी एस एस बी का सब्सक्रिप्शन अलग है हाँ जी आज पचास हजार सब्सक्राइबर अपने हो जाएंगे ठीक है चलो उस पर भी गिव अवेज आप मैं डिक्लेयर कर दूंगा क्या क्या दे रहा हूं मैं गिव अवेज है ना डिक्लेयर कर दिया जाएगा आपको क्या क्या गिव अवेज दिए जा रहे हैं चलो फिर मिलते हैं जल्दी जो प्लस वाला बच्चा है उनसे सवालों मिलता हूं मैं एनअकेडमी प्लस पे ज्योग्राफी क्लासेस प्लस पे पॉलिटी बच्चे तेईस जुलाई से शुरू कर रहा हूं तेईस ठीक है क्लियर है मामला हाँ जी क्लियर है एसएसबी का सब्सक्रिप्शन बच्चे एसएसबी के लिए तैयारी करवाएंगे एसएसबी एसएसबी सब्सक्रिप्शन में ओके okay. चलो जी बाय बाय